नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड अभी ऊपर की तरफ जो कि एक काफी अप ट्रेंड में है और अभी करेक्शन हो रहा है, तो मतलब मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो अच्छे स्टॉक्स में भी करेक्शन होगा, तो हमें वो चीज थोड़े सस्ते में मिल सकती है। तो जो अभी जब मार्केट करेक्शन का टाइम होता है तो हमें सभी अच्छे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको देखने की जरूरत होती है कि उसमें कितना करेक्शन हुआ है, मार्केट में कितना करेक्शन हुआ, वो हमें कितने डिस्काउंट में मिल सकते हैं। अगर वो हमें मिल रहे हैं डिस्काउंट में तो जैसे ही रिवर्सल हमें शो करते हैं हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर। और इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, नए व्यूअर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के साथ। तो टाटा स्टील लिमिटेड इज एशिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907। द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज अ टारगेट to increase domestic steel making capacity to 30 million ton per annum by 2025। अब इसका अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 157,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का PE 76.7 है, तो जो करंट प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग, PE के अकॉर्डिंग ये काफी ओवरवैल्यूड है। और अगर बुक वैल्यू के कंपैरिजन करें तो अभी भी इसका करंट प्राइस जो बुक वैल्यू के डबल से कम पे ही ट्रेड कर रहा है। ROCE की बात करें तो ROCE इसका 12.6 है, ROCE 5 ईयर का 15.2 है, जो कि अच्छा है। लेकिन प्रॉफिट वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं तो 2.68% ही है, मतलब प्रॉफिट इसका काफी धीरे बढ़ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू 2.16 है, डेप्थ टू इक्विटी जो है 0.82 है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी कम है, मतलब कि डेप्थ इसके ऊपर बहुत कम है। और फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास बहुत अच्छा है। तो चलिए इसके हम चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में है, पहले भी अप ट्रेंड में थी, फिर थोड़ा करेक्शन आया अप्रैल मार्च तक, और फिर अगेन ये अप ट्रेंड में है, प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में। प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.2%, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। तो अब हम इसके पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में स्टील लार्ज में आती है इंडस्ट्री, तो इसमें आप देखेंगे JSW के बाद टाटा स्टील है। तो JSW की मार्केट कैपिटल टाटा स्टील से ज्यादा है तो वो टॉप कर रही है। लेकिन उसका पी, JSW स्टील का पी देखेंगे तो 37 ही है और टाटा स्टील का पी देखेंगे तो 76 है। अब आप दूसरी कंपनीज जो इसी सेक्टर में काम कर रही है उनके अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो कंपनीज हैं, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल शाह और श्याम मेटलिक, इनका पीई का रेंज काफी कम है। अब इनका प्रॉफिट वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी 43, 90, 14 इस तरह से है, तो ये भी काफी अच्छी वैल्यूज है। तो मतलब जिंदल शाह देखिए, जिंदल शाह काफी समय से अप ट्रेंड में भी है और इसमें अगर करेक्शन आता है अभी जो मार्केट डाउन हो रहा है उसके साथ, तो हमें इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले टाटा स्टील का चार्ट देख लेते हैं, फिर जिंदल शाह पे भी हम डिस्कशन करेंगे दूसरे वीडियो में। तो टाटा स्टील का ये है मंथली चार्ट आपके सामने। ये 2003 में लिस्ट हुई थी, लगभग प्राइस 8.95 का था। ये एक्चुअली करेक्टेड प्राइस है क्योंकि इसमें बहुत बार ये बोनस इशू और स्प्लिट भी हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर अगर इसने जो अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है, ये बनाया है 153 का, तो ये हमारे लिए ऊपर जाते समय एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब ये मंथली चार्ट में क्या कर रही है, तो मंथली चार्ट में इसने हाई बनाया था, उसके बाद करेक्शन हुआ, 50 EMA का सपोर्ट लेते हुए ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही। और अभी जो इसने रिसेंट हाई बनाया है, आप देखेंगे कि जो बोलिंजर बैंड का टॉप है उसके पास में हाई बनाया है और वापस थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो अभी भी ये मंथली पॉजिटिव है।
जबकि हमारे जो चार्ट वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट की जो लास्ट इस वीक का जो कैंडल है वो एक नेगेटिव कैंडल बनी है। अब ये अगर इससे नीचे क्लोज हो जाती है, इन दोनों ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल, तब हमें इसमें थोड़ी और सेलिंग दिखाई दे सकती है, जो कि इसके अगेन 20 EMA तक, जो वीकली चार्ट का 20 EMA है वहां तक भी आ सकता है। तो हमें जब तक इसमें रिवर्सल नहीं मिले हमें पोजीशन नहीं बनानी है। तो रिवर्सल का मतलब है कि रेड कैंडल को पूरी कवर करती हुई एक ग्रीन कैंडल बने, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तब तो हम अब अगर डेली चार्ट में चलते हैं इसके, तो डेली चार्ट में ये ऑलरेडी 20 EMA के आसपास आके ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं आज की ये कैंडल है, आज इसमें कुछ ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जा रही, हल्का सा मतलब अपने प्राइस पे जो कल की क्लोजिंग है उसी पे ट्रेड कर रही है। तो अब अगर ये आज कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है 130 के ऊपर, तो फिर इसमें बाइंग की जा सकती है, फिर ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।